शेक मोहित ने बनाया, अकेले अकेले पिएगा के कितना भूखा है गाइस ये। अभी इरम मुझे मेहंदी लगा चुकी है, मेहंदी हमने लगाई है, ये इरम और मैंने मिक्स लगाई है। सो बेसिकली फ्लावर उसने लगाया है एंड जो डॉट एंड क्रॉस है वो मैंने लगाई है। आई नो इट्स वेरी फनी पर जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो सा डिज़ाइन कॉपी करना सब। तो गाइस ये मेहंदी मैंने कहा था इरम को लगाने पर हमारी मेहंदी बहुत लाइक मोटी से निकल रही है, इतनी बारीक नहीं। तो जब उसने फ्लावर लगाया तो मैंने कहा दो मैं खुद लगाती हूँ, तो फिर वो हो गया फ्लॉप। तो कह रही है इरम ठीक कर देगी, तो मैंने कहा कल ठीक करना, अभी अभी मेरे पैरों में लगा दो। तो अभी वो मेरे पैरों में लगा रही है मेहंदी। हमारे पास कोई है नहीं लगाने वाला, और ना ही हमें किसी को पैसे देने या बाय लगवाने के लिए, इसलिए हमने कहा खुद ही लगा। राजा में ये ड्रामा देख रही है, साथ में ये लगा रही है मेहंदी। अभी इग्नोर करो लाइक मेरे पैर को, मुझे नहीं पता ये कौन सा डिजाइन दिखा रही है, बिकॉज पिक्चर का दिखाओ तो फ्लॉप हो जाता है। तो फिर अपने खुद से कुछ बना रही है, अभी देखते हैं, अभी कुछ बना रही है अपने खुद ही दिमाग से, कुछ सोच कर ये बनाएगी, पता नहीं क्या। गाइस हम सीरम को देखो क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे से पूरा क्लीन करके दे रहा है, वाइप यूज कर। इरम ने मेरा देखो सीरम को क्या कर दिया गाइस, लिटरली गोल मुझे ऐसा ना... लग रहा है ये मेरा ही सीरम है। क्या मतलब? ये मैंने तुझे दिया था। नहीं ये मेरे, तूने ही गुड मॉलिक्यूल से सिर्फ तीन लिए हैं, तेरे पास ज्यादा है, तेरा खत्म भी हो गया था। रिमेंबर मेरे ही उठा के आए, राज नहीं खोलता, चुप कर जा गाइस, राज खोल जाएगा, मैंने उठा लिया था इसका। तो गाइस ये है प्रोसेस, तू नीली जा रही है ना इस वजह से, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है मेरा पैर ऐसे खराब। मम्मा कहती है बेड में क्यों जाके मेहंदी लगा रहे हो, हमने कहा हमें कंफर्टेबल लगता है। मैंने कहा इसको हॉल में वहां पे सही जगह पर, ये बहुत आलसी इंसान है। नहीं गाइस या तो अब सही हो जा, मैं सही हूं, इधर पैर कर। मैं कि मुझे मेहंदी लगा रही है ना, तो हम अपने रूम में लगा रहे हैं, बेडशीट ना खराब हो, ताकि न्यूज़पेपर लगाया पर बेडशीट वैसे चेंज हो जाएगी कल को, तो वो तो कोई इशू नहीं। बट गाइस ये है होगी, और ये मुझसे ये सिर्फ उस खराब की है ऐसे लगा के साथ। तो गाइस ये है, आप देख सकते हो ये सेम सेम, अभी मेरे हाथ में भी दूसरे हाथ में लगा दे, शाबाश, कल कसम से नहीं लगाऊंगी, अभी लगा दे, कल लगाएंगे, मेरे हाथ दुख रहे हैं अभी। तू लेजेंड है, तू बहुत अच्छी है, मेरे दूसरे हाथ में लगा दे, राज की मुक्का, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, इसको। आज है फादर्स डे एंड आज चांद रात भी है, तो पापा रोजा है, और फिर भी हम केक कट करने वाले हैं। पापा Happy Father's Day you. Happy Father's Day to you. माँ इनको क्यों खिला रही हो? मैंने इसको झूठा नहीं खिलाना। अभी ऐसे फ्रिज में रखा हूँ। गाइस कितना ढीठ है मोहित, मुनीत ने ऐसे इसको खाया है, तो अभी झूठा हो गया इसको खाएंगे। ये केक जाके फ्रिज में रखो मोहित, रात को हम खाएंगे डिनर के बाद, क्योंकि पापा का रोज है। मैंने मछली क्या बना रही हो? ये रही इरम, और हम जा रहे हैं सुपर मार्केट यानी प्लाजा जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है आज है चांद रात और कल है ईद। हाँ गाइस ये वही रास्ता जो मैं आपको दिखा रही थी ना लास्ट व्लॉग में, तो हमने बस कुछ जूस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने हैं, और मैंने पहना है नया सूट आज को, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, ये चांद रात है तो मैंने कहा नया सूट पहनते हैं। तो मैं बनी हुई हूँ येलो और इरम है ब्लैक सर से पांव तक। अच्छा गाइस मैं सो कह रही हूँ बस कर दे बोतल, कहते नहीं हूँ, मैंने कहा छः बोतल लेके आनी है पानी की, छः ड्रिंक्स, छः, लेकिन वो बच्चे भी तो होंगे फॉर देम बंडल। ओके मम्मा से पूछते हैं, एक तो बाहर आके मम्मा बोर्ड में पूछो फायदा क्या आने का, मम्मा को दिया जाए। ओके गाइस तो अभी हमने ये सब लिया है, गाइस हम कितने पागल हैं, हमने 7-Eleven से भी लेमन टी ली है, और हमने इसी का ही 250 ml
हाँ मम्मा हमें वो वाला पीने नहीं देंगी, बोलेंगी रात को काम है पीने के लिए सब चीज़ें, पानी पियो चुपचाप, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जी देखिए मेरे पैर कैसा रंग चलेगा इस बताइए। ये कैसे दिखा रही हो तुम, क्या कर रही हो? ओके अनदर साइड। मम्मा बना रही थी खीर और ये है वो जो सूट मैं मम्मा और इरम कल पहन रहे हैं ये आइडल बुटीक से, और ये ड्रिंक्स मैं आज फिर लेकर आई थी। बाय द वे गाइस आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी है वो है यस्टरडे की, हमने यस्टरडे भी चांद रात मनाई थी। तो यहाँ पर मुझे मोहित मेहंदी लगा रहा था, उसको आती नहीं ना ही इरम को आती है, पर इरम फिर भी लगा लेती है, मोहित को तो बिल्कुल नहीं आती। पर इसने मुझे लास्ट ईयर भी मेहंदी लगाई थी थोड़ी बहुत ऐसे, क्योंकि मोहित ड्राॅइंग में बहुत अच्छा, तो मैं कहती हूँ तुमसे होगा, तुम करो, तुम लगाओ मुझे। ये है मोहित, आप देख सकते हैं, मैं इसका ब्लर कर दूंगी एज यूजुअल चेहरा। फिलहाल आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। आंटी ध्यान इधर दो, मोहित मेहंदी का व्लॉग कम देखो वहां पे। बच्चा से है बड़ा क्यों, जल्दी करो तुम, कलर करना यार इसको, कलर करना है। हाँ ऐसे से कर फ्ला बस, यू नो गाइस ये लोग व्लॉग देख रहे हैं, मनीप भी हॉल में बैठा है, इरम भी, इसे ये लग नहीं रहा, ये वाला नहीं लग रहा इसे। हाँ ऐसे कर दो, रंग तो चढ़ जाएगा ना फिर भी ऐसे। गाइस ये है वो मेहंदी जो मोहित ने लगाई है, प्रीटी गुड, ऐसे ही सीखेगा। लास्ट ईयर भी इसने हमें मेहंदी लगाई थी, लाइक दिस टू कैन लाइक रियली। ओ ये बहुत खराब ही ने खराब किया, मैंने नहीं। हाँ गाइस वैसे बनी नहीं पर अच्छी बनी है कलर मेहंदी का। तो गाइस ये है वो जो इरम ने दिन को मेरे लिए ठीक करती थी, एंड इग्नोर माय नेल्स, मैं नेल पेंट ट्राई कर रही थी। सो या तो बना रही हूं गोल इधर मेरा, तूने नया सीरम लेके आई है, तू पागल हो गई है। वही सीरम है डेली ब्राइटनिंग। अच्छा देख तूने पुराना वो जो मिरेकल वाला ले, नहीं पता रखते मैं अपना देख तो आप इसको भी एक मेहंदी लग की नहीं रही, तो काल तो सही कुछ गंदा कर रही है सबको, इतनी अच्छी बनी कर रही है कवर इस मेहंदी डिजाइन को जो मोहित ने लगानी थी। लुक एट मिरर, ये है हालत मोहित के हाथ। तो लग गई है मेहंदी, और मैं आपको बताती चलूं कि ये टिश्यू लग गया या शुरू से फिंगर्स में मेहंदी लगाती आ रही हूँ। चाचू की शादी भी थी 2 साल पहले, तो भी मैंने फिंगर्स में ही मेहंदी लगाई थी। हम इस टाइम ये फुल करके, इग्नोर दैट, ये ऐसे करके फुल लगाई है। मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर इस बार मैंने लगा दिया पता नहीं कैसे, पर हाँ पर मुझे ये बहुत पसंद आई ये वाली। ये मोहित ने पहले लगाई थी, उसने चांद इस तरफ बनाना था चांद, उसने इस तरफ बना दिया चांद, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पर इरम ने बाकी कंप्लीट की है, आपको तो पता चल चुका होगा व्लॉग में। तो मोहित ने ये वाली लगाई है, अभी मैं लगाने वाली हूँ ये वाला मार्क्स। ये कल ईद है तो मैं ये मार्क्स लगाने वाली हूँ। तो ये है कोरिया ब्रांड का, तो ये बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। मैं आपको पहले जो आपकी नाइट रूटीन है, यानी कि जो स्किन केयर करके सोते हो, जैसे जो भी सीरम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हो, उसको लगाने के बाद आपने मार्क्स लगाना है। सुबह जब उठोगे तो ये मार्क्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा, दिन को भी लगा सकते हो पर रात को ज़्यादा ठीक है लगाना। तो ये लाइक 5 to 6 hours लगता है ट्रांसपेरेंट होने में। तो ये मैंने 4 pieces मंगवाए थे ऑनलाइन, तो 3 ख़त्म हो चुके हैं, अभी ये आखिरी रहता है। तो मैंने कहा कल ईद है, ग्लो आएगा चेहरे में वगैरह एंड ऑल, तो अभी यूज करते हैं। तो यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, सबको चांद रात मुबारक हो, बाय बाय।